ॐ तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीतं कल्मषापहं शबनमंगलं श्रीमदाततं भुवि विनन्ति भुरिदा जनाः। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान का आहरण शास्त्र पाठ जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयोजन है वो कहाँ तक जरूरत है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तब वो ज्ञानाशक्ति से हम आबद्ध हो जाएंगे, हमारा जीवन का लक्ष्य ईश्वर लाभ पूर्ण नहीं होगा। इसके लिए हम आचार्य शंकर का वो श्लोक विवेक चूड़ामणि में दिया गया है, वर्स नंबर 58 हम लोग उद्धृत किया था, भाग बई खरी शब्द जदि शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषम तद्वद्भुक्त है नतमुक्त है। ये विदुषागण जो पंडितगण है ये शास्त्र व्याख्यान का इशलम एवं शास्त्र पाठ का नैपुण्य उनको पथभ्रष्ट कर देते हैं, भोग संग्रह आदि से उनको फंसा देते हैं, क्योंकि जब इतना उनका पारदर्शिता है उनको सुनने भी अच्छा होता है लगता है, औरों को सुनने के भी अच्छा होता है। ये प्रियता शास्त्र पाठ में प्रियता ही ये है बंधन का कारण है। प्रियता एकमात्र ईश्वर में ही होना चाहिए और दूसरे किसी में नहीं। जहाँ पर प्रियता हो जाएगा उसी को संग कहता है, उसी को राग कहलाता है। तो हम लोग रंजित हो जाते हैं, हमें कलरलेस होना चाहिए, रागहीन होना चाहिए, किसी के प्रति की कोई वस्तु के प्रति प्रियता नहीं होना चाहिए। देखिए शास्त्र पाठ में हम प्रियता उत्पन्न हो जाता है, उनमें से इंटेलेक्चुअल प्लेजर। और ये जो बुद्धिजीवी है इन लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। जो साधारण व्यक्ति उनके लिए ये बंधन उतना प्रखर नहीं है, क्योंकि वो इतना उनका ना बुद्धि है ना विचार है ना उतना उनका पहुंच है, वो सरल सादा सीधे और से भगवान के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है बुद्धिमती है इंटेलेक्चुअल क्लास, उनके लिए और भी खतरनाक है। इसलिए शंकराचार्य इसके बारे में बारंबार हमें चेतावनी दिया है। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भी उन्होंने कहा वर्स 59 कि शास्त्र पाठ का शास्त्र कथा क्या है। उन्होंने कहा अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते पेरी परे तत्व शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, दोनों से निष्फल है। शास्त्र पाठ कहते हैं अभिज्ञाते परे तत्व, अगर जो परतत्व है आत्मानुभूति का जो तत्व है अगर हमारा ज्ञान का पहुंच के बाधार हो गया अधूरा हो गया तो हमारे ये शास्त्र पाठ का जो मूल उद्देश्य है वो व्यर्थ है।
हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही ना शास्त्र पर शुरू किया, अगर वो ईश्वर के वजह से हमें दूसरा कहीं पर ले जाता है तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, हमारे लिए कोई फायदा नहीं हुआ, शास्त्र निष्फल। और दूसरा बोल रहे हैं विज्ञाते भी परेतत्व, अगर ईश्वर का अनुभव हो गया, आत्मज्ञान लाभ हो गया, उसके ऊपर उसके उपरांत भी शास्त्र पर निष्फल है, जरूरत क्या है। आप जब गंतव्य में पहुंच गया तो गाइड मैप लेके क्या करोगे, तो रोड मैप पर जरूरत नहीं, पहले जरूरत था। ठाकुर जो कहते हैं जो जब क्या क्या लाना पड़ेगा एक चिट्ठी में लिख दिया था, तो चिट्ठी मतलब शास्त्र उस बारे में कितना तक जरूरत है, जब तक वो सामान हम एकत्रित नहीं किया, उस चिट्ठी अनुसार जब सामान एकत्रित कर लिया तब और ये चिट्ठी का जरूरत नहीं है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है अगर शास्त्रज्ञान नहीं हुआ, अगर चिट्ठी लेके आप पड़े रहोगे, चिट्ठी में जो लिखा हुआ सामान आप नहीं एकत्र करोगे, तो वो थियोरिटिकल नॉलेज हमारे लिए व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं हुआ चिट्ठी देना। और सामान एकत्रित करने के बाद तो ठाकुर कहते चिट्ठी करना फैले दे, तब चिट्ठी का प्रयोजन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो गंतव्य स्थान का जो संधान मिलने के बाद भी वहाँ चिट्ठी लेके बैठे रहे, तो ये अनावश्यक है। ये बात बताया सुंदर ढंग से। और भी एक खतरा का चीज़ बताएं शंकराचार्य जी, ये शास्त्र पाठ करते समय हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए, क्योंकि ये हमें फंसा देते हैं, विभ्रमित कर देते हैं। सीधा बताया विवेक चूड़ामणि वर्ष नंबर 60, शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रमण कारण चित्त भ्रमण कारणम। तो अतः प्रजत्नात् ज्ञातव्यम तत्त्वज्ञ तत्व आत्मनः। जो शब्द जाला है शास्त्र में, जितने शब्दा जी शब्द समष्टि है, ये एक अरण्य स्वरूप है। हम अरण्य में क्या होता है, वन में हम भटक जाते हैं, हम दिग्विधि दिशाहीन हो जाते हैं, वन में हम पथ का भूल जाते हैं, कहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। इसी ही शास्त्र में कहीं पर कोई रोशनी दिखाई नहीं पड़ता है, वो शास्त्र पाठ करते समय हमें गाइड चाहिए, गुरु चाहिए, वो बता देते हैं। इसी करके शास्त्र पाठ करना मुश्किल है, गुरु बता देते हैं किसे किस रास्ते से जाने से, तो इस शास्त्र पाठ में समझा देते हैं। तो ये जो नहीं तो ऐसी एक महारण्य है, ये विराट अरण्य है, कोई शेष नहीं है, नाना प्रकार का बात शब्द ये सब, तो हम क्या होता है वी गेट लॉस्ट सीधा साधा। एवं चित्त जो विभ्रमण जो हमारा चित्त भ्रमित हो जाता है, चित्त विक्षेप हो जाता है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, जो हमारा मन को शांत करने का नाम ही योग है। लेकिन शास्त्र पाठ करते हुए अगर मन विभ्रमित हो जाता है तब हम कैसे वो शास्त्र पाठ हमारे फायदेमंद होगा। तो ये चित्त भ्रमण ये हमें याद रखना चाहिए, ये महारण्य है, शास्त्र एक समान चीज़ नहीं है, तो एकदम महारण्य जैसा है तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए कहा जाता था प्रजत्नाद ज्ञातव्यम, इसलिए जो तत्वज्ञान चाहते हैं मोक्ष जीव कह जाता है, वो क्या कहते हैं कि जो आत्म तत्व अनुसरण करते हैं सावधानता से, वी हैव टू वेरी केयरफुल व्हाट आर वी स्टडिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट।
जो हम पढ़ रहे हैं, जो अनुसरण कर रहे हैं, इज इट गोइंग टू हेल्प मी टू रियलाइज गॉड? भगवत तत्व होना चाहिए एवं भगवान को अनुभव करने के लिए प्रयोजन अनुसार शास्त्र पाठ होना चाहिए, प्रयोजन भित्तिक होना चाहिए। कि स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडी डिल्यूड्स अवर माइंड, ये सब बात है। अगर शास्त्र पाठ करने के लिए ही हम शास्त्र पाठ करते रहें एज ए रिचुअल, स्वाध्याय करना पड़ेगा, प्रवचन करना पड़ेगा, हम लगातार करते रहे, आपत्ति नहीं है, लेकिन इट शुड नॉट कम इन द वे ऑफ गॉड रियलाइजेशन। वही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अगर किसी भी प्रकार से हमारे शास्त्र पाठ लक्ष्य का बाधक हो जाता है तो तत्काल शास्त्र पाठ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक अंतराय सृष्टि कर दिया। श्री ठाकुर वॉज वेरी केयरफुल कि ये जो हमारे जो बुद्धिजीवी है, भक्तगण है, उनको चेतावनी देने के लिए कि कितना क्या ज़रूरत है, वो ठाकुर की प्रयत्न का कोई शेष नहीं था। ये श्री रामकृष्ण की अवतार में उनके विशेष अवतार है कि बुद्धिजीवियों के लिए उनका विशेष संवेदना था एवं उनको मदद करने के लिए कितने प्रयासशील थे। हम यहाँ पर भी देखते हैं कि प्राचीन काल से ही जो वेदांत का मूर्त विग्रह है शंकराचार्य है, शिवावतार, वो कितने सावधान से हमें एक चेतावनी देखी गया। देखो जो शब्द समझना मुश्किल है, इसलिए व्याकरण है, व्याख्यान करने का जो बंदोबस्त है वो भगवत केंद्रित होना चाहिए। इट हैज टू बी गॉड ओरिएंटेड, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये जो अभिज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीत निष्फला, अगर वो जो शास्त्र पाठ किया उसमें अगर भगवान लाभ नहीं हुआ, ठाकुर कहते हैं उगलो फेले दे, कोनो लाभ नहीं। स्वामी विवेकानंद जब काशीपुर में आए थे तब नरेंद्रनाथ, तो तब उनका मन में तीव्र ईश्वर का प्राप्ति का व्याकुलता रहा। तो उन्होंने कहा एक अगर दवा मिल जाए तो हम जितना सीखा है वह भूल जाएं। पहले जब पढ़े हमारे बहुत आश्चर्य लगा, कैसे हम इतना पढ़े थे वो भूलने के क्यों, क्योंकि ये जो स्टैंड्स इन द वे ऑफ हिज गॉड रियलाइजेशन। जब शास्त्र पाठ हमारे भगवान नाम की एक अंतराय सृष्टि कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसमें आदि स्तर नहीं करना चाहिए, भगवान को आराधना करना चाहिए, ताकि शास्त्र पाठ हमारे जीवन में एक बाधक ना हो जाए। हम उच्च उद्देश्य से कर रहे हैं लेकिन हमें दूसरा ओर ले जाएंगे, तो हमें वो सावधानता अवलंबन करना चाहिए। फिर आगे हम इस प्रसंग को विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।